हेलो, वेलकम बैक टू अपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए एक न्यू रेफरेंसर फॉर प्लान लेकर आया हूं। इस प्लॉट के अगर फ्रंट की बात करें तो इसका जो फ्रंट रहेगा वो रहेगा 40 फीट, और इसकी डेप्थ की बात करें तो इसकी जो डेप्थ रहेगी वो रहेगी 25 फीट। ठीक है, अब इसके मैं आपको रिक्वायरमेंट बताने जा रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इसके अंदर एक बेडरूम ये रहेगा, और इसमें दो बेडरूम रहेंगे, और इसके अंदर दो टॉयलेट रहेगी, एक टॉयलेट ये रहेगी, एक टॉयलेट ये रहेगी, और एक इसके अंदर लॉबी रहेगी, और एक इसके अंदर किचन रहेगा, और एक इसके अंदर ड्राई रूम रहेगा। ये ड्राई रूम है, ये हमारा ड्राई रूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ड्राई रूम हो जाएगा, और इसके अंदर एक शॉप रखी हुई है, हमने बाहरों बाहर ये शॉप हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब आपको मैं इसकी थोड़ी डिटेल बताने जा रहा हूँ, इसमें डिटेल क्या क्या रहेगी। ठीक है गाइस, इसका जो हमारा मेन डोर रहेगा वो मेन डोर हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है गाइस, हमारा जो मेन गेट रहेगा वो हमारा मेन गेट यहाँ से रहेगा, और हमारे जो लॉबी की बात करें, लॉबी की जो हमारी लंबाई रहेगी वो लंबाई जो रहेगी वो रहेगी 10 फीट। ये जो हमारी लंबाई है ये रहेगी 10 फीट, और जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 14 फीट 10 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, और इस वाले बेडरूम की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 13 फीट, और जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 10 फीट 2 इंच रहेगी, और इस वाले बेडरूम की हमारी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 13 फीट, और जो चौड़ाई रहेगी वो भी 13 ही फीट रहेगी। और बेडरूम से जो हमारी ये टॉयलेट है, टॉयलेट की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 6 फीट, और चौड़ाई रहेगी वो लंबाई रहेगी 6 फीट 6 इंच, और चौड़ाई रहेगी 5 फीट। इस वाली टॉयलेट की जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 6 फीट 6 इंच, और जो चौड़ाई है वो रहेगी 4 फीट। और इस डोर में जो हमने ये जो डोर है ये हमने यहाँ से एक ओपन डोर रखा हुआ है, इसकी डोर रहेगी वो रहेगी 3 फीट, और इस वाली की जो ये लंबाई रहेगी ओपन रखा हुआ है, इसमें जो हमारी जो हमारा पॉर्च वो हो जाएगा, इसकी जो हमारी लॉबी टाइप से हो जाएगा, हमारी इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 7 फीट 9 इंच, और ये जो हमारी इसकी चौड़ाई रहेगी वो 13 फीट 6 इंच रहेगी। और इसमें जो हमारा किचन है, किचन की जो हमारी लंबाई है, लंबाई रहेगी 7 फीट 6 इंच, और चौड़ाई जो रहेगी वो रहेगी 6 फीट 3 इंच रहेगी। और इस शॉप में जो हमारी लंबाई रहेगी वो रहेगी 8 फीट, और जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 10 फीट 5 इंच हमारी इसकी ये रहेगी। ठीक है गाइस, और जो हमारा ये ड्राई रूम रहेगा, ड्राई रूम हमने ये बना रखा वो हुआ है। ठीक है गाइस, अब आपको मैं इसकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, इसमें वेंटिलेशन कहाँ रहेगा और डोर इसका कहाँ रहेगा। हमारा जो ड्राई रूम, इसमें जो रूम की बात करें, हमारा जो रूम रूम में जो डोर रहेगा वो डोर यहाँ से रहेगा, और इसका वेंटिलेशन जो रहेगा वो बाहरों बाहर रहेगा, इसका वेंटिलेशन हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है गाइस, और इसका जो डोर रहेगा वो यहां से रहेगा, और इसका जो वेंटिलेशन होगा रूम का, वो बेडरूम का जो वेंटिलेशन रहेगा वो हमारा यहां पर हो जाएगा। ठीक है गाइस, और जो हमारा ये टॉयलेट है, टॉयलेट का जो डोर है वो डोर यहां से हो जाएगा, इस टॉयलेट का जो डोर है वो डोर हमारा यहां से हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमने डोर एक यहां पर रखा हुआ है, इसका डोर हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, डोर हमारा यहाँ से हो जाएगा, और इस किचन का डोर हमारा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है गाइस, और ये जो हमारा ये जो ड्राई रूम है, इसका डोर हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, और इसका वेंटिलेशन जो है वो हमारा वेंटिलेशन यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है गाइस, और जो हमारा ये शॉप है, शॉप का हम जो डोर रखेंगे वो डोर हम इधर से भी रख सकते हैं, और डोर इधर से भी रख सकते हैं। अगर गाइस आपका प्लॉट सेम प्लॉट यही है, और आपको रिक्वायरमेंट सामने रखी सामने बता दी है हमने, अगर आपको ये लग ये बता दी गई है, और अगर आपका प्लॉट सेम है और रिक्वायरमेंट आपकी डिफरेंस है, तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर सर इसी में ही है। अगर आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है तो आप हमारे से जब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। थैंक यू फॉर गाइस अपेक्स आर्किटेक्चर।